आज हम माइनक्राफ्ट के ऐसे झूठ जानने वाले हैं जो आज तक आप सच मानते आए हो। तो सबसे पहला झूठ है कि नेदरराइट पिकेक्स सबसे फास्ट है भाई माइनक्राफ्ट में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, वो एक्चुअली में गोल्ड है। वेल अनएन्चेंटेड गोल्ड पिकेक्स भाई बेटर है अनएन्चेंटेड नेदरराइट पिकेक्स से। सिप तो इधर क्यों आई भाई? लेकिन भाई इसका कुछ फायदा नहीं है, ये तुरंत ही टूट जाती है। लेकिन फिर भी भाई गोल्ड फास्ट पिकेक्स है। काफी लोग कहते हैं बेडरॉक को माइन करना पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनक्राफ्ट ने कोड दिया है जो -1 है, तो उसका मतलब इन्फिनिटी हुआ। तो आप इसको भाई कितना भी माइन करो ये आई डोंट थिंक सो ये ब्रेक होने वाला है। वेल वन ऑफ द ओल्डेस्ट रूल है माइनक्राफ्ट का भाई, तुम्हें स्ट्रेट डिग डाउन नहीं करना चाहिए। वेल थोड़ी रिसर्च के बाद पता चला है 64% चांस है भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा। वेल ना तुम कोई लावा में गिरोगे, ना कोई केव में गिरोगे, ना कोई भाई वाटर में गिरोगे। बाय द वे फिर भी थोड़ी सेफ्टी चाहिए तो ऐसे माइन कर सकते हो, फिर भी तुम अपनी भाई मिस्टेक करेक्ट नहीं करोगे तो ये होगा। एंडरमैन वाटर नहीं पसंद करते वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये शायद पक्की बात नहीं है। वेल ये ऐसे रेन तो अवॉइड करते हैं, लेकिन वेल तुम कोल्ड्रोन में पानी डाल के ऐसे एंडरमैन को डालोगे, ये देखो भाई लाइक लिटरल ये पानी में खड़ा है, इसको कुछ नहीं हो रहा भाई। अब पता चला ना भाई आज तक हम झूठ सुनते आए। वेल रेनफॉल डीप स्लेट सबसे टफ ब्लॉक है भाई माइनक्राफ्ट में। वेल ये टूटने के बाद भाई कलेक्ट भी नहीं होता। वेल किसी ने कहा है भाई ये सिल्ट से कलेक्ट हो जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। वेल ये भी झूठ है भाई, ये सिल्टर से भी कलेक्ट नहीं हो रहा। वेल तो तुम इससे विदर केज भी बना सकते हो। अगर तुम सुगर केन के पीछे छुपोगे तो कोई मॉब आपको नहीं मार पाएगा। वेल पहले ये वर्क करता था। वेल 1.19 के पहले था, अगर तुम ऐसे हाइड हो रहे हो सुगर केन के बीच में तो मॉब तुम्हें नहीं मार पाएंगे। वेल अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। वेल ये सब कहते हैं कि अगर तुम फॉर्चून 3 की पिकेक्स से अगर कोई भी ओर माइन करते हो तो ओर तो ज्यादा मिलेगा लेकिन एक्सपी भी ज्यादा मिलेगी। सो लेट्स सी। वेल हमारी अभी 3 XP है, अब नॉर्मल से करके देखते हैं। वेल ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे भाई 1 XP ज्यादा मिली शायद, तो ये बहुत बड़ा झूठ हम सुनते आए हैं। वेल अपेरेंटली वार्डन ब्लाइंड है। वेल तुम स्पेक्टेटर मोड में जाके मॉड पे क्लिक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा भाई वो कैसे देखते हैं इस दुनिया को। वेल ये क्रीपर है, ये है अंडरमैन और भाई ये है स्पाइडर। वेल मैंने वार्डन पे जब ये ट्राई किया तो भाई पता चला वार्डन भाई सेम हमारी तरह देखता है। What? तो क्या उसे सब दिखता है? वेल ये एक बहुत बड़ा झूठ है या मिस्ट्री है, क्या पता। वेल हम एक के ऊपर दूसरा स्लैब नहीं लगा सकते डिफरेंट टाइप का, ऐसा ही हम सुनते आए भाई। तो भाई इसको एक्सप्लेन करो। वेल वर्ल्ड बॉर्डर के पास ऐसे जब स्लैब लगाते हैं और लीवर ऐसे पुश करते हैं तो गेम भाई वर्ल्ड बॉर्डर के बाहर ना भेजने के लिए एक के ऊपर एक ऐसे स्लैब लगा देती है। बट यहाँ पे एक पॉइंट है भाई, ये बस एक इल्यूजन है। ये देखो इसके आर पार एरो जा रहे हैं, लेकिन भाई ये तो झूठ हुआ ना कि एक के ऊपर एक स्लैब नहीं लगा सकते हम। वेल वाटर ब्रीथिंग पोशन से हम अंडर वाटर ब्रीथ कर सकते हैं भाई। वेल तो ये फिश पे भी काम करेगा। भाई ये मर रही है या फिर A few moments later. नहीं गाइस ये फिश पे काम नहीं करता, ये सिर्फ हम पे काम करता है। लाइक हम वाटर में वाटर ब्रीथिंग पोशन से ब्रीथ कर सकते हैं, तो फिश क्यों नहीं भाई आउटसाइड? What? वेल हम ग्राइंड स्टोन से कोई भी चीज को अनएंचेंट कर सकते हैं। वेल ये अनफॉर्चुनेटली भाई कर्स ऑफ बाइंडिंग पे काम नहीं करता, लेकिन जब हम 2 कर्स ऑफ बाइंडिंग भाई ग्राइंड स्टोन में डालेंगे तो ये 2 बुक बन जाएगी। व्हाट द हेक, लाइक आई हैव इनलीगल स्टफ इन माय इन्वेंटरी। काफी लोग कहते हैं लावा बकेट वाटर बकेट की तरह एमएलजी में काम आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। वेल लावा बकेट सिर्फ तुम्हारा गिरने का स्पीड ही रिड्यूस करता है, उसके बाद आग लगती है वो अलग। सो हर बार आप एमएलजी के लिए लावा बकेट यूज नहीं कर सकते। वेल कंक्रीट पाउडर वाटर के कांटेक्ट में आते ही भाई कंक्रीट बन जाता है। देन भाई अगर हम पूरे कंक्रीट एक को कोल्ड्रोन में फेंक देंगे तो ये क्या कन्वर्ट होगा? वेल लेट्स सी। देखो भाई बाहर कंक्रीट वाटर के कांटेक्ट में आते ही कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। वेल यहाँ तो स्प्लैश वाटर बॉटल भी काम नहीं आती। वेल तुम इलेक्ट्र का यूज करके ऐसे नीचे की तरफ आते हो, वो भी रॉकेट के साथ, तो तुम्हें लगता है भाई तुम काफी ज्यादा तेजी से नीचे आए। वेल जब तुम ऐसे रॉकेट के बिना भी नीचे आते हो तो उतनी स्पीड से ही नीचे आते हो, सो ये बस ऐसा लगता है कि आप स्पीड में आ रहे हो रॉकेट के साथ। वेल डेप्थ स्ट्राइडर के साथ तुम वाटर में काफी तेजी से स्विम कर पाते हो, सो व्हाट अबाउट लावा? वेल तुम फायर रेजिस्टेंट का पोशन यूज करके डेप्थ स्ट्राइडर के बूट के साथ भाई लावा में गिरोगे तो उतनी ही स्पीड से तुम उसमें ट्रैवल करोगे। हम ये प्रोसेस ही पहले से स्लो ही है। वेल ये तो पॉसिबल है, तुम मशरूम से एंड पोर्टल तोड़ सकते हो। वेल ये बेडरॉक के साथ भी काम करती है। हम बिल्कुल नहीं भाई, ये देखो ये बेडरॉक को छू सक नहीं सकती, लाइक छू तो दिया मतलब तोड़ नहीं सकती भाई। वेल ये देखो भाई मशरूम बेडरॉक के ऊपर ग्रो होते हैं, तो भाई क्लियरली हुआ ये लोग फ्रेंड्स है। बल्कि तुमने कभी सोचा इस व्हाइट ट्यूलिप नाम के फ्लावर को तुम अगर क्राफ्टिंग टेबल में डालोगे तो क्या मिलेगा? वेल व्हाइट डाई मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिल रहे भाई लाइट ग्रे डाई। व्हाट?
वेल रिसेंट सबसे बड़ा झूठ ये है कि भाई ये जो एंशियंट सिटी में ये फ्रेम है वो एक्चुअली में एक पोर्टल है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे काफी सारी वीडियोस बनी है कि ये एक पोर्टल है, लेकिन अभी के लिए तो भाई ये जस्ट फ्रेम बना के रखा है। वेल आज की वीडियो के लिए बस इतने ही झूठ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।